हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। जैसे आपको पता है कि अपन ने यहाँ पर इंजीनियर्स एकेडमी के निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपके लिए बीपीएससी की जो वैकेंसी आई है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, उसके रिगार्डिंग बैच स्टार्ट कर रखा है और यूट्यूब पे आपको वहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ भी मिले होंगे। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए आज अपन ने यहाँ पर लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था कि वहां पर सीओडी क्या होती है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीवेज क्या होता है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए अपन नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। और इस लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले आपको मैं एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि इंजीनियर्स एकेडमी आपके लिए एक पैड बैच स्टार्ट कर रही है और ये जो पैड बैच है वो आपका 12 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो जिस भी स्टूडेंट को वहां पर कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारे आप हेल्पलाइन नंबर 7374000888 पर कॉल कर सकते हो। आपको वहां पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट असिस्टेंट के लिए जो भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सिलेबस है वो कंप्लीट कराया जाएगा। और आपको ये पता है, इट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वहां पर टेक्निकल आपका सॉलिड वेस्ट है और जिसमें नॉट ओनली सिविल इंजीनियर्स बट ऑल्सो आर्किटेक्चर, केमिकल्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड एक्सेट्रा आज अलाउज, कि वहां पर बहुत सारे लोग अलाउ है वो सब यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए इंजीनियर्स एकेडमी की वहां पर फैकल्टीज ने आपके लिए सिलेबस डिजाइन करा है, आपके लिए वहां पर प्लानिंग करी है कि किस तरह से वहां पर आपका सिलेबस को एग्जीक्यूट करना है। सिलेबस के साथ साथ वहां पर आपको फैकल्टीज जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एमसीक्यू है वो आपको सोल्व कराया जाएगा क्लास में। तो जिसको भी वहां पर कोर्स ज्वाइन करना है और आपकी एक जो क्लासेज है वो लाइव होगी बिल्कुल, ठीक है, जिससे आप घर पे बैठकर अटेंड कर सकते हो। तो आपको यदि किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी चाहिए कि कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है, कैसे खरीदना है, तो इसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर 7374000888 पर कॉल कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास में अपन ये डिस्कस कर रहे थे वहां पर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीवेज। उसमें अपन ने जाते जाते आपको पता होगा लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस करा था वहां पर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अपन ने क्या डिस्कस करा था वहां पर, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को अपन ने डिस्कस करा था। और इस केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को अपन ने क्या बोला था वहां पर, सीओडी बोला था। क्लियर है, आपको याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है ऐसा कुछ अपन ने डिस्कस करा था। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए यहां पर जो नेक्स्ट आता है वो आता है टीएचओडी। क्या होता है टीएचओडी? टीएचओडी यहां पर होता है थ्योरेटिकल, क्या होता है वहां पर, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। टीएचओडी क्या होता है बेटा, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, नाम से ही पता लग रहा है कि ये क्या है वहां पर, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड है। थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या हुआ कि आपको थ्योरेटिकली पता होगा कि वहां पर कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। आपको थ्योरेटिकली पता होगा कि आपको कितने ऑक्सीजन की डिमांड है। अब थ्योरेटिकली आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि वहां पर कितने ऑक्सीजन की डिमांड है, थ्योरेटिकली अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि वहां पर कितने ऑक्सीजन की डिमांड है, बताइए। थ्योरेटिकली अपन एक ही तरीके से वहां पर अपन मेजर कर सकते हैं, जब आपको यह पता हो कि सीवेज में कौन कौन सी इंप्योरिटी प्रेजेंट है। आप थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, व्हेन, जब आपको क्या पता हो कि विच टाइप ऑफ इंप्योरिटी इज प्रेजेंट, कि वहां पर कौन कौन सी टाइप की इंप्योरिटी प्रेजेंट है, कौन कौन सी इंप्योरिटी प्रेजेंट है। और तीसरी चीज ये पता होनी चाहिए कि वहां पर जो इंप्योरिटी प्रेजेंट है उसका फॉर्मूला क्या है। यदि आपको वहां पर फॉर्मूला पता नहीं होगा तो यू कैन नॉट कैलकुलेट, यू कैन नॉट थ्योरेटिकली कैलकुलेट द ऑक्सीजन डिमांड। आप वहां पर थ्योरेटिकली ऑक्सीजन डिमांड को कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक आपको यह पता ना हो कि वहां पर कौन सी इंप्योरिटी प्रेजेंट है और उस इंप्योरिटी का फॉर्मूला क्या है। जैसे जैसे मैं बोलूं कि वहां पर माना कि पानी में, माना कि सीवेज में वहां पर एक इंप्योरिटी प्रेजेंट है, मैं इंप्योरिटी मान रहा हूं कि वहां पर एक इंप्योरिटी प्रेजेंट है C6OH12O6, एक इंप्योरिटी प्रेजेंट है C6H12O6। जब आपको ये इंप्योरिटी पता लग गया
तो आप थ्योरेटिकली ये कैलकुलेट कर सकते हो कि इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए वहां पर कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है। आप ये कैलकुलेट कर सकते हो आप कि इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता है। यदि आपको ये पता नहीं होता कि वहां पर इस कौन सी इंप्योरिटी प्रेजेंट है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो यू कैन नॉट केमिकली कैलकुलेट, यू कैन नॉट थ्योरेटिकली कैलकुलेट ऑक्सीजन डिमांड रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीजन डिमांड रिक्वायर्ड। क्लियर है? इसीलिए वहां पर थ्योरेटिकली ऑक्सीजन डिमांड पता करने के लिए आपको वहां पर एग्जैक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। यदि आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला पता लग गया तो आप एग्जैक्ट वहां पर डिमांड कैलकुलेट कर लोगे। इसीलिए जो थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो क्या होगी, वहां पर सीओडी से ज्यादा होगी या कम होगी, बताइए। थ्योरेटिकली ऑक्सीजन डिमांड सीओडी से क्या होगी, वहां पर ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहां से आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन एग्जैक्ट अमाउंट आएगी। क्लियर है या नहीं है बताइए, क्लियर है या नहीं है? तो यदि जैसे यदि मैं बात करता हूं कि हमारे पास क्या प्रेजेंट है, वहां पर ग्लूकोज प्रेजेंट है, C6H12O6, और इसके ऑक्सीजनेशन के लिए कितनी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अपन कैलकुलेट कर ले, तो क्या आएगा वहां पर 6CO2, बोलो 6CO2 हुआ या नहीं हुआ, प्लस 6H2, तो यहां पर पूरा का पूरा ग्लूकोज क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, वहां पर इसका डीकंपोजिशन हो गया। ठीक है, यहां पर देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो क्या आएगा, 6 × 12 + 12 + 6 × 16 कितना आएगा, 5 × 72 + 12 + 16 कितना जाएगा, यहां पर इसको जोड़ोगे तो क्या जाएगा, 0 × 10 = 180। इसका मतलब क्या हुआ कि 180 ग्राम ग्लूकोज के लिए कितने ऑक्सीजन की डिमांड है, वहां पर 9 × 12 × 16 क्या जाएगा, 32 × 12 = 18 × 19 = 192। इसका मतलब क्या हुआ, चूंकि 180 ग्राम ग्लूकोज के लिए वहां पर ऑक्सीजन की कितनी रिक्वायरमेंट है, वहां पर 192 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो वहां पर 1 ग्राम ग्लूकोज के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी, वहां पर 192/180। तो वहां पर यदि मैं बोल देता हूं कि पानी में 300 ग्राम ग्लूकोज है तो कितने की आवश्यकता हो जाएगी, वहां पर 192/180 × 300 वहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। बात समझ आई या नहीं आई बताओ, तो वहां पर कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता हो जाएगी, आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता लग गई। कब पता लगी, जब आपके पास एग्जैक्ट फॉर्मूला है और आपको यह पता है कि यहां पर इसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है, और आपको यदि यह चीज पता लग गई तो आपने क्या निकाल लिया, वहां पर एग्जैक्ट क्वांटिटी रिक्वायर्ड टू डीकंपोजिशन ऑफ द दिस ग्लूकोज। क्लियर है, बात समझ आई या नहीं आई? तो इसका मतलब क्या हुआ, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। अगला होता है वहां पर केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, अगला होता है वहां पर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी क्या होगी यहां पर, बीओडी। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पर आपसे पूछा जाता है What is the full form of BOD? पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, What is the full form of BOD? BOD की full form क्या है? BOD की full form biochemical oxygen demand, biological oxygen demand नहीं है। बहुत बार अपन गलती करके आते हैं और आप यहां पर ऑप्शन सेलेक्ट करके आ जाते हो biological oxygen demand, और biological oxygen demand आप यदि सेलेक्ट कर रहे हो तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। BOD की full form क्या होती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। बात समझ आई या नहीं? अब आता है होती क्या है बीओडी, अरे बला क्या चीज है बीओडी, क्या बला है? जैसे अपन ने सीओडी कैसे डिफाइन करा था, सीओडी अपन ने डिफाइन करा था, सीओडी इज द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट टू डीकंपोजिशन ऑफ, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फॉर डीकंपोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल
बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पार्टिकल को डीकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं वहां पर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। लेकिन यहां पर बायोकेमिकल या बीओडी क्या होती है, ओनली वहां पर बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पार्टिकल को, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पार्टिकल को डीकंपोज करने के लिए, ऑर्गेनिक पार्टिकल को डीकंपोज करने के लिए, डीकंपोज करने के लिए वहां पर कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसको क्या बोला जाता है वहां पर, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो गया वहां पर, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, इज द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट टू डीकंपोज बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पार्टिकल, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पार्टिकल ऑर्गेनिक पार्टिकल को डीकंपोज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसको क्या बोला जाता है वहां पर, बीओडी बोला जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि बीओडी को कैसे डिटरमाइन करोगे, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ये बीओडी को कैसे डिटरमाइन करोगे, आप खुद बताओ। यदि वहां पर कोई एक फ्रेश सीवेज है, तो फ्रेश सीवेज में वहां पर ऑक्सीजन जो पार्टिकल है उनकी, वहां पर ऑक्सीजन जो मेटल है उनकी क्वांटिटी क्या होगी वहां पर, ज्यादा होगी या नहीं होगी, उनकी क्वांटिटी वहां पर क्या होगी, वहां पर बहुत ज्यादा होगी। क्वांटिटी यदि ज्यादा है तो वहां पर क्या होगा, यदि क्वांटिटी ज्यादा है तो वहां पर ऑक्सीजन की डिमांड भी ज्यादा होगी, क्वांटिटी ज्यादा है तो ऑक्सीजन डिमांड भी वहां पर क्या होगी, ज्यादा होगी। बोलिए, यदि क्वांटिटी ज्यादा है तो वहां पर ऑक्सीजन डिमांड भी ज्यादा होगी या नहीं होगी, तो वहां पर ऑक्सीजन डिमांड भी ज्यादा होगी। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा वहां पर ऑर्गेनिक पार्टिकल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों होती जाएगी कम बेटा बताइए, ऑर्गेनिक पार्टिकल की वैल्यू टाइम के साथ साथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी, क्योंकि टाइम के साथ साथ वहां पर ऑर्गेनिक पार्टिकल क्या हो रहे हैं, डीकंपोज हो रहे हैं, और ऑर्गेनिक पार्टिकल टाइम के साथ डीकंपोज हो रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, ऑर्गेनिक पार्टिकल की क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, वहां पर कम हो जाएगी। ऑर्गेनिक पार्टिकल की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो टाइम के साथ साथ ऑक्सीजन डिमांड भी क्या होती जाएगी, वहां पर कम होती जाएगी। यही कुछ होगा या नहीं होगा। तो अपन यहां पर इसको कैलकुलेट करने के लिए, अपन ने क्या करते हैं, अपन ने फ्रेश सीवेज ले लेते हैं, अपन क्या ले लेते हैं वहां पर, फ्रेश सीवेज या जिस भी सीवेज की आपको वहां पर क्या कैलकुलेट करनी है, जिस भी सीवेज का आपको बीओडी कैलकुलेट करना है, आपने उस सैंपल को ले लिया, उस सैंपल में आपने क्या करा वहां पर, फ्रेश सीव अपने आपने क्या करा वहां पर, प्योर वाटर मिक्स कर दिया। प्योर वाटर का मतलब क्या हुआ कि इस पानी में कोई भी इंप्योरिटी प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल स्वच्छ पानी है, प्योर वाटर है। ये पानी बिल्कुल क्या है, प्योर वाटर है, बिल्कुल कोई इंप्योरिटी इसमें प्रेजेंट नहीं है। फिर अपन ने इसका क्या कर दिया वहां पर, मिक्सर तैयार कर दिया। मिक्स कर दिया, मिक्सर हो गया। उसके बाद अपन ने क्या करा, माना कि हमारा सैंपल कितना बन गया वहां पर, ZML बन गया। और इस ZML का अपन ने क्या निकाल ली वहां पर, डिसॉल्व ऑक्सीजन इनिशियली निकाल ली है। डिसॉल्व ऑक्सीजन इनिशियली का मतलब क्या होता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन कैसे कैलकुलेट करोगे, डिसॉल्व ऑक्सीजन इनिशियली का मतलब मिक्स होते हैं उनकी डिसॉल्व ऑक्सीजन कैलकुलेट। और आपने वहां पर पढ़ रखा है डिसॉल्व ऑक्सीजन कैसे करते हैं वहां पर कैलकुलेट, रिंकल्स मेथड के द्वारा। हाउ टू कैलकुलेट द डिसॉल्व ऑक्सीजन बेटा, डिसॉल्व ऑक्सीजन का कैलकुलेशन अपन कैसे करते हैं वहां पर, रिंकल्स मेथड के द्वारा। आपको पता होगा, पता है बात, अपन ने पढ़ा है ये चीज कि डिसॉल्व ऑक्सीजन का मेजरमेंट अपन कैसे करते हैं वहां पर, रिंकल्स मेथड के द्वारा करते हैं। फिर हमने क्या करा वहां पर, इस सैंपल को अगले 5 दिन तक रख दिया,
इस सैंपल को अपन ने क्या करा यहां पर, ये हमारा सैंपल है, मिक्सर है, मिक्स। इस सैंपल को मैंने क्या करा वहां पर, 5 दिन तक रख दिया, 5 दिन तक इसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख दिया, और 5 दिन के बाद, 5 दिन के बाद दोबारा, 5 दिन के बाद दोबारा इस सैंपल का अपन ने डिजोल्व ऑक्सीजन मेजर करी, और उसको मैंने क्या बोल दिया वहां पर, डिजोल्व ऑक्सीजन फाइनल। उसको मैंने क्या बोल दिया वहां पर, डिजोल्व ऑक्सीजन फाइनल। आप बताओ डिजोल्व ऑक्सीजन इनिशियल और डिजोल्व ऑक्सीजन फाइनल दोनों इक्वल होगी क्या? नहीं होगी। डिजोल्व ऑक्सीजन फाइनल क्या होगी? कम होगी। क्यों कम होगी बेटा? क्योंकि 5 अभी समझाया था, 5 दिन में क्या हो जाएगा वहां पर, कुछ ऑर्गेनिक पार्टिकल डिकम्पोज हो जाएंगे, तो यहां पर जो ऑर्गेनिक पार्टिकल की क्वांटिटी होगी वो क्या होगी वहां पर, कम रिक्वायरमेंट होगी। यहां पर ऑर्गेनिक पार्टिकल की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी वहां पर, या अवेलेबल ऑर्गेनिक पार्टिकल कम है। और यदि बेटा आप बताइए, यदि अवेलेबल ऑर्गेनिक पार्टिकल यदि कम है तो वहां पर ऑक्सीजन की डिमांड भी क्या हो जाएगी वहां पर, कम हो जाएगी। होगी या नहीं होगी बताइए, होगी या नहीं होगी? तो आपने क्या कर लिया वहां पर, डिजोल्व ऑक्सीजन फाइनल कैलकुलेट कर लिया। तो इस आधार पर यदि अपन देखना चाहे तो आपका वहां पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर 5 दिन में इतने, मतलब इन दोनों का यदि मैं डिफरेंस निकालना चाहूं, इन दोनों का यदि मैं डिफरेंस निकालना चाहूं तो क्या मतलब, डिफरेंस मतलब क्या, डिजोल्व ऑक्सीजन इनिशियल माइनस डिजोल्व ऑक्सीजन फाइनल। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा आप बताइए, इसका मतलब यही हुआ ना कि 5 दिन में कितने ऑर्गेनिक पार्टिकल डीकम्पोज हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 दिन में कितने ऑर्गेनिक पार्टिकल डीकम्पोज हुए, यही मतलब हुआ या नहीं हुआ? और ये जो हुआ वो मिक्स के लिए हुआ, लेकिन अपन को तो हमारे सैंपल का चाहिए, इसलिए अपन क्या कर देते हैं वहां पर, डाइल्यूशन रेशो से मल्टीप्लाई कर, इससे कर देते हैं वहां पर डाइल्यूशन रेशो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये क्या आ जाएगी हमारे, कितना ऑर्गेनिक पार्टिकल डिकम्पोज, मतलब कितनी बीओडी वहां पर सेटिस्फाइड हो गई है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे वहां पर, 5 दिन में इतनी ऑक्सीजन या इतनी बीओडी सेटिस्फाइड हो गई है। अब ये अपन जो बता रहे हैं वो बीओडी 5 डे वो रिक्वायरमेंट नहीं है, वो क्या है वहां पर, कितनी बीओडी सेटिस्फाइड हो गई है। तो क्या आ जाएगा वहां पर, बीओडी 5 डे, तो क्या जाएगा, बीओडी 5 डे ऑफ द सैंपल एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू क्या होगा वहां पर, डिजोल्व ऑक्सीजन इनिशियल माइनस डिजोल्व ऑक्सीजन फाइनल इनटू डाइल्यूशन रेशियो, इनटू डाइल्यूशन रेशियो। आई बात समझ में आनी है? और डाइल्यूशन रेशियो क्या होगा बेटा, डाइल्यूशन रेशियो मतलब क्या हुआ, यदि आपने यहां पर इसका सैंपल एक्स लिया है, ये जेड हो गया, डाइल्यूशन रेशियो क्या होगा वहां पर, जेड वाई एक्स। तो बीओडी एट द 5 डे एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू क्या हो जाएगा वहां पर, डिजोल्व ऑक्सीजन इनिशियल माइनस डिजोल्व ऑक्सीजन फाइनल इनटू जेड डिवाइडेड बाय एक्स। बोलो आएगा या नहीं आएगा ये बताइए। तो अपन इस तरह यहां पर बीओडी को कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी सैंपल के लिए, इस तरह अपन क्या कर सकते हैं वहां पर बीओडी कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी सैंपल के लिए। समझ आई बात या नहीं है? बोलो समझ आई बात या नहीं है बताइए, कोई भी डाउट है? अगली चीज, यहां पर जो मैंने लिखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, बीओडी को अपन 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही मेजर करोगे, 20 से ज्यादा पर या कम पर गर्म क्यों नहीं करते, क्योंकि आपको पता होगा कि बायोलॉजिकल जो रिएक्शन होती है डेट इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। बायोलॉजिकल जो भी रिएक्शन होती है वो किस पे डिपेंड करती है बेटा, वहां पर टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और हमने पढ़ा भी है, वो आपने पढ़ा भी होगा कि यदि वहां पर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाता है तो वहां पर बायोलॉजिकल रिएक्शन 10 जस्ट डबल हो जाती है। इसीलिए वहां पर बायोलॉजिकल टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है, वहां पर टेम्परेचर का जो रोल होता है वहां पर क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है ये चीज? आई बात समझ में? दूसरी चीज कि जब अपन इस टेस्ट को कर रहे हैं, बीओजी बीओडी का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो अपन को एक चीज ध्यान रखनी है
कि जहां जिस भी कमरे में आप बीओडी का मेजरमेंट करो वहां पर बाहर से कोई लाइट सोर्स नहीं आना चाहिए। क्यों? लाइट आ जाएगी तो क्या होगा बेटा? यदि वहां पर सनलाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है तो आपको पता है कि सनलाइट की वजह से वहां पर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, और ये आपको पता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होगी तो वहां पर ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, और ऑक्सीजन यदि रिलीज हो जाएगा तो आपका वहां पर जो डिजोल्व ऑक्सीजन फाइनल आपको मेजर करना था वो वहां पर एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर जो डिजोल्व ऑक्सीजन फाइनल मेजर करोगे उसमें ये ऑक्सीजन भी ऐड हो जाएगी नहीं हो जाएगी। लेकिन अपन को तो वहां पर डिजोल्व ऑक्सीजन फाइनल कौन सी चाहिए थी? वहां पर ओनली ये वाली चाहिए। इसीलिए वहां पर जिस भी कमरे में आप वहां पर ये रिएक्शन कर रहे हो वो क्या होनी चाहिए? वहां पर बंद कमरे में होनी चाहिए। क्लियर है बात? बोलिए क्लियर है बात या नहीं है? कोई भी डाउट है क्या यहां पर? यहां पर किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस तरह का न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव एग्जाम आएगा नहीं, लेकिन आ भी सकता है इस क्वेश्चन को तोड़ के। मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूं थोड़ा लंबा करा रहा हूं कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। चलो न्यूमेरिकल करने, चलो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। यहां पर लिखो ओके, लिखो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन were made on the 4% of dilution, 4% of dilution of wastewater, 4% of dilution of wastewater, 4% of dilution of wastewater. So, पहला है dissolve oxygen of pure water, dissolve oxygen of pure water, dissolve oxygen of pure water used for dilution equal to कितना है वहां पर? 3 मिलीग्राम पर लीटर। दूसरी चीज dissolve oxygen of original sample इक्वल टू कितना है वहां पर? डिजोल्व ऑक्सीजन ऑफ ओरिजिनल सैंपल इक्वल टू कितना है वहां पर? 0.6 मिलीग्राम पर लीटर। तीसरा डेटा आपको दे रखा है डिजोल्व ऑक्सीजन ऑफ डाइल्यूशन डाइल्यूटेड सैंपल, dissolve oxygen of diluted sample after 5 day 5 दिन के बाद कितना है? इक्वल टू है वहां पर 0.8 मिलीग्राम पर। आपसे क्या पूछा है वहां पर? कैलकुलेट द बीओडी ऑफ 5 डे, कैलकुलेट बीओडी ऑफ 5 डे, कैलकुलेट बीओडी ऑफ 5 डे आपसे पूछा है। बेटा सिंपल है, आपको इनिशियल बीओडी दे रखी है, फाइनल बीओडी दे रखी, फाइनल डिजोल्व ऑक्सीजन दे रखा है, अपन को वहां पर सोल्व करना है। आपको यहां पर डिजोल्व ऑक्सीजन ऑफ द डाइल्यूटेड सैंपल ऑफ द 5 डे, मतलब ये क्या दे रखा है? डिजोल्व ऑक्सीजन फाइनल आपको दे रखी है। आपको क्या दे रखा है वहां पर? यह डिजोल्व ऑक्सीजन फाइनल आपको दे रखी है। आपको कहीं भी डिजोल्व ऑक्सीजन, आपको कहीं भी डिजोल्व ऑक्सीजन इनिशियल नहीं दे रखा, तो डिजोल्व ऑक्सीजन लेकिन इनिशियल नहीं दे रखा, लेकिन आपको वहां पर प्योर वाटर की डिजोल्व ऑक्सीजन दे रखी है और सैंपल की डिजोल्व ऑक्सीजन दे रखी है। तो कैसे क्या कर रखा है कि ओरिजिनल जो सैंपल है, ओरिजिनल सैंपल मतलब एक्स है, और ये कितना दे रखा है वहां पर? 4% डाइल्यूशन। 4% डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ? यदि मैं 100 ग्राम
टोटल सैंपल मान लेता हूं तो ये कितना है वहां पर उसमें 4% का मतलब ये कितना है वहां पर 96 और यहां पर ये कितना है वहां पर प्योर वाटर कितना है प्योर वाटर कितना है वहां पर 96 यदि वहां पर यदि बेस्ट वाटर 4 ग्राम है तो यहां पर ये कितना है वहां पर प्योर वाटर कितना है वहां पर 96 ग्राम ये मतलब होता है 4% डाइल्यूशन ठीक है और क्या दे रखा है इस सैंपल की वहां पर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो आपको दे रखी है कितनी दे रखी है इस सैंपल की डिजोल्व ऑक्सीजन आपको कितनी दे रखी है बताइए 0.6 मिलीग्राम पर लीटर और इसकी डिजोल्व ऑक्सीजन आपको दे रखी है कितनी दे रखी है वहां पर 3 मिलीग्राम पर लीटर दोनों को मिक्स कर दिया तो अपन को तो इस मिक्स की डिजोल्व ऑक्सीजन को अपन ने इनिशियल डिजोल्व ऑक्सीजन बोला था ना इसकी मिक्स को अपन ने डिजोल्व ऑक्सीजन इनिशियल बोला था क्लियर है तो अपन क्या करते हैं यहां पर हमको ये दे नहीं रखा तो बेटा यदि अपन कोई दो चीज को मिक्स करते हैं तो डिजोल्व ऑक्सीजन इनिशियल अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे करते हैं बताओ कि डिजोल्व ऑक्सीजन इनिशियल या डिजोल्व ऑक्सीजन ऑफ द मिक्स इक्वल टू क्या है वहां पर डिजोल्व ऑक्सीजन ऑफ द इनिशियल डिजोल्व ऑक्सीजन ऑफ द मिक्स निकालना है तो ये क्या होगी वहां पर डिजोल्व ऑक्सीजन ऑफ द इनिशियल इक्वल टू क्या होगा डिस्चार्ज ऑफ द सीवेज डिजोल्व ऑक्सीजन ऑफ द सीवेज डिस्चार्ज ऑफ द प्योर वाटर और डिजोल्व ऑक्सीजन ऑफ द प्योर वाटर डिवाइडेड बाय क्या होगा वहां पर डिस्चार्ज ऑफ सीवेज प्लस डिस्चार्ज ऑफ प्योर वाटर होगा या नहीं होगा ये बोलो ये होगा या नहीं होगा तो आपके पास सब कुछ दे रखा है तो आप डिजोल्व ऑक्सीजन इनिशियल निकाल सकते हो निकाल सकते हो डिजोल्व ऑक्सीजन इनिशियल क्या आ जाएगा यहां पर क्यूएस क्यूएस कितना डिस्चार्ज 4 इंटू 9.6 4 इंटू 0.6 प्लस इसका डिस्चार्ज कितना है वहां पर 96 या 96 ml लिखो यहां पर बेटा डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं यहां पर ये ml हो जाएगा ये ml हो जाएगा तो टोटल कितना हुआ ये 100 ml प्लस इसकी डिजोल्व ऑक्सीजन कितनी है वहां पर 3 मिलीग्राम पर लीटर तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4 प्लस 96 होगा या नहीं होगा बताइए होगा या नहीं होगा तो आप जब इसको सोल्व करोगे सोल्व करिए सब लोग सोल्व करिए क्या आएगा तो यहां पर डिजोल्व ऑक्सीजन जो इनिशियल की वैल्यू आएगी वो आएगी 2.9 मिलीग्राम पर लीटर कितनी आएगी वहां पर 2.9 मिलीग्राम पर लीटर आ जाएगा आएगी नहीं आएगी अब आपके पास डिजोल्व ऑक्सीजन इनिशियल आपके पास आ गया डिजोल्व ऑक्सीजन आपको फाइनल कितनी दे रखी है वहां पर 0.8 मिलीग्राम पर लीटर दे रखी तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो आपको पता है देखो यहां से भी मैंने बोला था डिजोल्व ऑक्सीजन इनिशियल ज्यादा है और डिजोल्व ऑक्सीजन फाइनल क्या हो गया कम हुआ इसका मतलब क्या हुआ ऑर्गेनिक पार्टिकल ने वहां पर ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लिया है तो बीओडी ऑफ द 5 डे एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा डिजोल्व ऑक्सीजन इनिशियल माइनस डिजोल्व ऑक्सीजन फाइनल इंटू जेड डिवाइडेड बाय एक्स होगा या नहीं होगा तो डिजोल्व ऑक्सीजन इनिशियल हमारा कितना है 2.9 डिजोल्व ऑक्सीजन फाइनल कितना है हमारा 0.8 इंटू क्या हो जाएगा जेड कितना है हमारा 4 डिवाइडेड बाय 100 एक्स कितना है हमारा 4 तो यहां से बीओडी ऑफ द 5 डे जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी वहां 52.5 मिलीग्राम पर आएगी या नहीं आएगी तो क्या जाएगा यहां पर बीओडी ऑफ द 5 डे बीओडी 5 एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड समझ आई बात या नहीं बोलिए बात समझ आई या नहीं आई यहां तक क्लियर है तो आज का लेक्चर अपन यही फिनिश करते हैं फिर से मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में तो जिसको भी यहां पर कोई भी चीज में कोई दिक्कत आती है कोई इंक्वायरी है तो यू कैन कॉल ऑन आवर हेल्पलाइन नंबर 7374000888 ठीक है तो बीपीएससी सेनेटरी असिस्टेंट के लिए वहां पर आपको कोई भी दिक्कत है किसी भी तरह का कोई डाउट है कि वहां पर नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई डाउट है कि हमारे कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है उसको आपको ऑनलाइन खरीदना है तो उससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है तो आप 7374000888 पर कॉल कर सकते हैं और हमारा वहां पर मैं एक आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि पैड कोर्स हमारा 12 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है जहां पर रोज
आपकी वहां पर जो क्लासेस है वो लाइव चलेगी, जिसमें लाइव का मतलब होता है कि आप घर पे बैठ के क्लास को लाइव देख सकते हो, टीचर आपके साथ लाइव पढ़ाएगा, जहां पर आप कमेंट भी कर सकते हो, आपका कोई डाउट है तो लाइव में आपकी क्लास में वहां पर टीचर आपको सोल्व कर देगा। तो फिर से मिलेंगे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए ओके बाय, टाटा सी यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.